हे व्हाट्सएप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंकिंग वर्ड्स के बारे में। लिंकिंग वर्ड्स इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इसलिए क्योंकि इनका काम है सेंटेंस फॉर्मेशन करना। ये सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये बड़े सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। जब आप दो छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं तब इनका यूज़ होता है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसे बोल रहे हैं कि मैंने एक कार खरीदी, फिर थोड़ी देर बाद आप बोलते हैं कि मुझे कार की बहुत ज़रूरत थी, फिर आप बोलते हैं कि अब मुझे लगता है कि मुझे कार नहीं खरीदनी चाहिए थी। तो ऐसे अगर आप किसी को बोलेंगे तो उसे समझ नहीं आएगा और आपको बोलेगा कि भाई थोड़ा क्लियरली बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको वो कैसे बोलना है कि मैंने एक कार खरीदी क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कार नहीं खरीदनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमने दो लिंकिंग वर्ड्स यूज़ किए, क्योंकि और लेकिन। सो इसी टाइप के 21 से ज़्यादा लिंकिंग वर्ड्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं जो कि बहुत यूज़फुल है। जैसा कि आपने देखा, इन लिंकिंग वर्ड्स के बिना आपका सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। सो लिंकिंग वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। इस वीडियो में मैंने 21 से ज़्यादा लिंकिंग वर्ड्स बताए हैं जो कि बहुत यूज़फुल है और आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी कोई आप नया सेंटेंस या वर्ड सुनते हैं तो उससे रिलेटेड आप और सेंटेंस बनाइए और नीचे कमेंट कीजिए। इससे आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है भले ही या फिर यद्यपि। जैसे आप किसी से बात करते टाइम बोलना चाहते हैं कि भले ही वो दिखने में खराब है लेकिन दिल का अच्छा है, तो यहाँ पर भले ही की जगह आप यूज़ कर सकते हैं इवन इफ। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इवन इफ इट रेन्स आई विल गो। इवन इफ इट रेन्स आई विल गो, जिसका मतलब है भले ही बारिश हो मैं तो जाऊँगा। भले ही बारिश हो मैं तो जाऊँगा। इवन इफ इट रेन्स आई विल गो। एक और एग्जांपल इसका। आई वुडंट टेल यू इवन इफ आई न्यू। आई वुड नॉट टेल यू इवन इफ आई न्यू, भले ही मुझे पता होता तो भी मैं आपको नहीं बताता। यहाँ पर भले ही की जगह आप इवन इफ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर एस। वेयर एस इसका मतलब है चूंकि, जबकि या फिर जहाँ तक। जैसे आप कभी बोलते हैं कि जबकि मैंने उसको बोला था ऐसा मत करो, जबकि। जबकि की जगह आप यूज़ कर सकते हैं वेयर एस। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सम प्रेज हिम वेयर एस अदर्स कंडेम हिम। सम प्रेज हिम वेयर एस अदर्स कंडेम हिम, जिसका मतलब है कुछ उसकी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जबकि अन्य उसकी निंदा करते हैं। जबकि दूसरे लोग उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका। सम पीपल लाइक मीट वेयर एस अदर्स हेट इट। सम पीपल लाइक मीट वेयर एस अदर्स हेट इट, कुछ लोगों को मांस पसंद है जबकि अन्य उससे नफरत करते हैं। जबकि वेयर एस। नेक्स्ट है मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब है उसके अलावा या फिर, और यही नहीं या के अतिरिक्त की जगह भी आप मोर ओवर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो किसी को कि वो सुंदर होने के अलावा दिमाग से भी बहुत तेज़ है, तो के अलावा या फिर उसके अलावा की जगह आप मोर ओवर का यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका। इट वॉज़ अ गुड कार एंड मोर ओवर द प्राइज वॉज क्वाइट रीजनेबल। इट वॉज़ अ गुड कार एंड मोर ओवर द प्राइज वॉज क्वाइट रीजनेबल, जिसका मतलब है वह एक अच्छी कार थी। इट वॉज़ अ गुड कार और इसके अलावा, और इसके अलावा मोर ओवर द प्राइस वॉज क्वाइट रीजनेबल, कीमत भी काफ़ी उचित थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही एन्जॉय स्विमिंग एंड मोर ओवर ही इज़ गुड एट इट। ही एन्जॉय स्विमिंग एंड मोर ओवर ही इज़ गुड एट इट, उसे तैरना पसंद है उसके अलावा वह उसमें अच्छा भी है। मोर ओवर। नेक्स्ट है सो दैट। सो दैट, सो दैट का यूज़ हम करते हैं ताकि या फिर की बोलने के सेंस में। एग्जाम्पल, शी फोल्डेड द लेटर सो दैट इट वुड फिट इन टू हर बैग। शी फोल्डेड द लेटर सो दैट इट वुड फिट इन टू हर बैग, इसकी मीनिंग है उसने पत्र को मोड़ दिया। शी फोल्डेड द लेटर, उसने लेटर को फोल्ड कर दिया ताकि, सो दैट इट वुड फिट इन टू हर बैग, ताकि वह उसके बैग में फिट हो जाए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लीव द हैंडल डाउन सो दैट शी कैन ओपन इट।
लीव द हैंडल डाउन सो दैट शी कैन ओपन इट। हैंडल को नीचे छोड़ दो ताकि वो उसे खोल सके, ताकि, सो दैट शी कैन ओपन इट। नेक्स्ट है वेयर एवर। वेयर एवर जिसका मतलब है जहाँ कहीं या फिर जहाँ भी, जिस जिस जगह पर, वेयर एवर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो। आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो जिसका मतलब है तुम जहाँ भी जाओगे, वेयर एवर यू गो आई विल फॉलो यू, मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वेयर एवर यू गो आई विल फॉलो यू, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, आप जहाँ भी चाहो वहाँ जा सकते हो। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम जिसका मतलब है के अलावा, के अतिरिक्त, या फिर से अलग, किसी से अलग। अपार्ट फ्रॉम दैट, उससे अलग, उसके अलावा, इस तरीके से हम अपार्ट फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही इज़ नेवर बीन अपार्ट फ्रॉम हिज मदर। ही इज़ नेवर बीन अपार्ट फ्रॉम हिज मदर जिसका मतलब है वह अपनी माँ से, अपनी मदर से अलग कभी नहीं रहा है, अपार्ट फ्रॉम हिज मदर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ गुड ह्यूमन बींग। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ गुड ह्यूमन बींग जिसका मतलब है उसके अलावा वो एक अच्छा इंसान भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ गुड ह्यूमन बींग। नेक्स्ट है रैदर देन। रैदर देन का मतलब होता है के बदले या फिर इसके बजाय, किसी चीज़ के बदले अगर आप दूसरा काम करते हैं तब आप यूज़ करते हैं रैदर देन, इसके बदला ये, या ये नहीं तो वो, इसके बजाय, इस तरीके से आप रैदर देन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका, आई चूज़ टू लर्न इंग्लिश रैदर देन उर्दू। आई चूज़ टू लर्न इंग्लिश रैदर देन उर्दू जिसका मतलब है मैंने उर्दू के बजाय अंग्रेजी सीखना चुना, मैंने इंग्लिश सीखना चुना उर्दू के बजाय, रैदर देन उसके बजाय या फिर उसके बदले। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, आई वुड लाइक टू स्टे होम दिस इवनिंग रैदर देन गो आउट। आई वुड लाइक टू स्टे होम दिस इवनिंग रैदर देन गो आउट, मैं बाहर जाने के बजाय आज शाम को घर पर रहना चाहूँगा, रैदर देन के बजाय या फिर के बदले। नेक्स्ट है वेदर। ये मौसम वाला वेदर नहीं है, इस वेदर की मीनिंग दूसरी है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं यदि बोलने की जगह, या फिर दोनों में से कोई एक चूज़ करते हैं टाइम, जब आप बोलते हैं किसी चीज़ को, जब चूज़ करना चाहते हैं तब आप वेदर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर की बोलने के सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा टफ है लेकिन जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई डाउट वेदर दिस स्टोरी इज़ ट्रू। आई डाउट वेदर दिस स्टोरी इज़ ट्रू, मुझे संदेह है या फिर मुझे शक है, मुझे डाउट है कि क्या यह कहानी सच है, मुझे शक है कि यह कहानी सच है कि नहीं। आई डाउट वेदर दिस स्टोरी इज ट्रू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आस्क हिम वेदर ही कैन कम और नॉट। आस्क हिम वेदर ही कैन कम और नॉट, उससे पूछो कि वो आ सकता है या नहीं। यहाँ पर हमने यूज़ किया या की जगह पर, और इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने इसका यूज़ किया था की जगह पर। तो इस तरीके से यदि या दोनों में से कौन सा या फिर की कहीं पर भी आ रहा है तो आप वहाँ पर सिंपली वेदर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंततः। आखिरकार जब आप किसी चीज़ का बहुत देर से इंतज़ार करते हैं और आखिरकार वो हो जाता है तब आप बोलते हैं इवेंचुअली, आखिरकार या फिर अंततः। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, द ट्रेन इवेंचुअली अराइव्ड एट 8:55। द ट्रेन इवेंचुअली अराइव्ड एट 8:55। ट्रेन आखिरकार 8:55 पे आ गई, आखिरकार आ गई, इवेंचुअली अराइव्ड एट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ही वर्कड सो हार्ड दैट इवेंचुअली ही मेड हिमसेल्फ इल। ही वर्कड सो हार्ड दैट इवेंचुअली ही मेड हिमसेल्फ इल, उसने इतनी मेहनत की कि अंततः उसने खुद को बीमार कर दिया, या फिर उसने इतनी मेहनत की कि आखिरकार उसने खुद को बीमार कर दिया। इस तरीके से आप इवेंचुअली का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवन दो। इवन दो जिसकी मीनिंग है भले ही। अगर आप कहीं पर भी भले ही का यूज़ करते हैं, भले ही आपको बोलना हो, जैसे भले ही वो बहुत ख़राब है लेकिन उसने मेरी मदद की, भले ही की जगह आप इवन दो का यूज़ करते हैं इंग्लिश में।
एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही इज द बेस्ट टीचर इवन दो ही हैज़ द लीस्ट एक्सपीरियंस. ही इज़ द बेस्ट टीचर इवन दो ही हैज़ द लीस्ट एक्सपीरियंस, जिसका मतलब है वह सबसे अच्छा टीचर है, वह सबसे अच्छा शिक्षक है भले ही उसके पास बहुत कम अनुभव है. ही इज़ द बेस्ट टीचर इवन दो, भले ही उसके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, बहुत कम अनुभव है. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, शी नेवर टुक अ टैक्सी इवन दो शी कुड अफोर्ड इट. शी नेवर टुक अ टैक्सी इवन दो शी कुड अफोर्ड इट, जिसका मतलब है उसने कभी टैक्सी नहीं ली भले ही वो उसे अफोर्ड कर सकती थी. नेक्स्ट है वाइल. वाइल का मतलब होता है जब, जब तक या फिर जबकि. जब भी आप इन तीनों में से कोई वर्ड यूज़ करते हैं तब आप सिंपली इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं वाइल. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, सम पीपल लिव टू ईट वाइल आई ईट टू लिव. सम पीपल लिव टू ईट, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं. सम पीपल लिव टू ईट, जबकि मैं जीने के लिए खाता हूँ. वाइल आई ईट टू लिव, जबकि यहाँ पर हमने यूज़ किया, उसकी जगह हमने इंग्लिश में टाइप किया है वाइल. सम पीपल लिव टू ईट While I eat to live, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं जबकि मैं जीने के लिए खाता हूँ. एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, While there is a life, there is a hope. While there is a life, there is a hope. जब तक जीवन है तब तक आशा है, ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा. While there is a life, there is a hope. जब तक जीवन है तब तक आशा है. जब तक की जगह भी हमने यहाँ पर while का यूज़ किया है. नेक्स्ट है besides. besides का मतलब है के अतिरिक्त, साथ ही या फिर सिवाय इसके. इन तीनों वर्ड्स की जगह आप सिंपली beside वर्ड यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, besides milk and butter, besides milk and butter we need some vegetables. besides milk and butter we need some vegetables. दूध और मक्खन के अलावा या फिर दूध और मक्खन के सिवाय हमें कुछ सब्जियां चाहिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं दूध और मक्खन के साथ ही हमें कुछ सब्जियां भी चाहिए. besides milk and butter we need some vegetables. एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, I don't want to go besides I am too tired. I don't want to go besides I am too tired. मैं नहीं जाना चाहता सिवाय इसके मैं बहुत थका हुआ भी हूँ. मैं नहीं जाना चाहता और इसके अलावा मैं थका भी हुआ हूँ. नेक्स्ट है because. because एक बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक आपको इसकी मीनिंग पता होगी, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको बताऊँगा. because की मीनिंग होती है क्योंकि, या फिर किसी की वजह से, या फिर के कारण की जगह भी आप यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि, because, वजह से, because of it, इसकी वजह से, because of that, या फिर के कारण, because of it, इसके कारण. इन सब की जगह आप because का यूज़ कर सकते हैं. एक example देखते हैं इसका, Your phone won't start because of the low battery. Your phone won't start because of the low battery. Your phone won't start. यहाँ पर इसकी हिंदी मीनिंग बहुत ही ईजी है, because की मीनिंग भी आपको पता है, और यहाँ पर आपको because की जगह क्या यूज़ करना है ये भी आपको पता है, क्योंकि, वजह से या फिर के कारण. इन तीनों में से आपको क्या यूज़ करना है ये आप खुद डिसाइड कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि इसकी हिंदी मीनिंग आप खुद बनाएं और नीचे कमेंट करें. देखते हैं कितने लोगों को इसकी हिंदी मीनिंग बनती है. और इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यू आर हेयर बिकॉज ऑफ मी. यू आर हेयर बिकॉज ऑफ मी, तुम यहाँ मेरे कारण हो, या फिर तुम यहाँ मेरी वजह से हो. Because of me, मेरी वजह से. Next है however. However जिसका मतलब है जैसा भी, कितना भी, या फिर तथापि. जैसा भी, कितना भी, however. एक example देखते हैं इसका, I will come however busy I am. I will come however busy I am. मैं आऊँगा चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हूँ. मैं आऊँगा चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों ना हूँ, कितना भी, however. एक और example देखते हैं इसका, He can answer the question however hard it is. He can answer the question however hard it is. वो जवाब दे देगा भले ही कितना ही मुश्किल सवाल क्यों ना हो. वो जवाब दे देगा चाहे कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना हो, चाहे कितना भी, या फिर जैसा भी. इस तरीके से आप however का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है although.
although जिसका मतलब है हालांकि या फिर यद्यपि. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. although he was ill he went to work. although he was ill he went to work. हालांकि वो बीमार था फिर भी वो काम पर गया. although he was ill he went to work. हालांकि वो बीमार था फिर भी वो काम पर गया. एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका. although my car is very old it still runs very well. although my car is very old it still runs very well. हालांकि मेरी कार बहुत पुरानी है लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी चलती है. नेक्स्ट है अनलाइक. अनलाइक का मतलब है असमान या फिर किसी के विपरीत. लाइक का मतलब आपको पता होगा समान. लाइक दिस इसके जैसा इसके समान. उसी का ऑपोजिट है अनलाइक उसका असमान या फिर उसके विपरीत. एग्जाम्पल हर वॉइस वॉज क्वाइट अनलाइक हर यूजुअल वन. हर वॉइस वॉज क्वाइट अनलाइक हर यूजुअल वन जिसका मतलब है उसकी आवाज़ उसकी सामान्य आवाज़ से काफ़ी विपरीत थी. उसकी आवाज़ उसकी सामान्य आवाज़ से विपरीत थी यानी असमान थी. एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका. इट्स वेरी अनलाइक हिम टू बी सो लेट. इट्स वेरी अनलाइक हिम टू बी सो लेट. इतनी देर होना उसके विपरीत है यानी उसके लिए इतनी देर होना असमान है. नेक्स्ट वर्ड है अनलेस. अनलेस का मतलब है जब तक ना सिवाय या फिर यदि नहीं. एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी मीनिंग. डोंट कॉल मी अनलेस देयर इज एन एमरजेंसी. डोंट कॉल मी अनलेस देयर इज एन एमरजेंसी. जब तक कोई एमरजेंसी ना हो जब तक कोई एमरजेंसी ना हो मुझे कॉल मत करना. डोंट कॉल मी अनलेस देयर इज एन एमरजेंसी. एक और एग्जाम्पल अनलेस अ चेक इज साइंड इट्स इनवैलिड. अनलेस अ चेक इज साइंड इट्स इनवैलिड. जब तक चेक पर साइन नहीं है तब तक वो अमान्य है. जब तक ना होना जब हम यू बोलते हैं तब हम इंग्लिश में उसे अनलेस बोलते हैं. जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मुझे कॉल मत करना या फिर जब तक चेक पर साइन नहीं है तब तक वो अमान्य है. नेक्स्ट वर्ड है इंस्टीड. इंस्टीड का मतलब है बजाय बदले में या फिर की जगह. किसी की जगह जब हम यूज़ करते हैं तब हम इंग्लिश में उसे इंस्टीड बोलते हैं. एग्जाम्पल विल यू गो टू द पार्टी इंस्टीड ऑफ मी. क्या तुम मेरे बजाय पार्टी में जाओगे. क्या तुम मेरी बजाय पार्टी में जाओगे या फिर क्या तुम मेरे बदले में पार्टी में जाओगे. विल यू गो टू द पार्टी इंस्टीड ऑफ मी. एक और एग्जाम्पल ही यूज सीजर्स इंस्टीड ऑफ नाइफ. ही यूज सीजर्स इंस्टीड ऑफ नाइफ. उसने चाकू की जगह या फिर चाकू के बदले में कैची का यूज किया. बदले में या फिर की जगह इंस्टीड. नेक्स्ट वर्ड है येट. येट का मतलब है अभी तक अब तक या फिर भी या मगर. एग्जाम्पल देखते हैं नो मैन एवर येट बिकम ग्रेट बाय इमिटेशन. नो मैन एवर येट बिकम ग्रेट बाय इमिटेशन जिसका मतलब है कोई भी आदमी अभी तक नकल करके महान नहीं बना. कोई भी आदमी अभी तक नकल करके महान नहीं बना. नो मैन एवर येट बिकम ग्रेट बाय इमिटेशन. एक और एग्जाम्पल है इसका. आई कॉन्ट डू दिस आई एम नॉट रेडी एट. आई कॉन्ट डू दिस आई एम नॉट रेडी एट. मैं ये नहीं कर सकता मैं अभी तैयार नहीं हूँ या फिर मैं ये नहीं कर सकता इसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ. नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड. ऑन द अदर हैंड जिसका मतलब है दूसरी ओर या फिर दूसरी तरफ. एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी बट ऑन द अदर हैंड आई हैव टू स्टडी. आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी बट ऑन द अदर हैंड आई हैव टू स्टडी. मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ लेकिन दूसरी ओर मुझे पढ़ाई भी करनी है. I want to go to the party, but on the other hand, I have to study. Next word है in other words. In other words, जिसका मतलब है दूसरे शब्दों में. In other words, example, he wasn't telling the truth. In other words, he was lying. He wasn't telling the truth. In other words, he was lying. जिसका मतलब है वह सच नहीं बोल रहा था या दूसरे शब्दों में वह झूठ बोल रहा था. जब आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझ पाते तो आप उसे दूसरे शब्दों में बोलते हैं ना कि दूसरे शब्दों में इसको ऐसा बोला जाता है.
तो दूसरे शब्दों में की जगह हम यूज़ करते हैं इन अदर वर्ड्स। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, इन अदर वर्ड्स ही लेफ्ट द जॉब, इन अदर वर्ड्स ही लेफ्ट द जॉब, दूसरे शब्दों में बोलूँ या फिर दूसरे शब्दों में उसने जॉब छोड़ दी। जब आप क्लियरली किसी को बताना चाहते हैं तो आप इन अदर वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वर्ड है आज का देयरफॉर, जिसका मतलब है इसलिए, इस कारण से या फिर के कारण, इसलिए, इस कारण से या के कारण, इन तीनों की जगह आप देयरफॉर का यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज बिजी देयरफॉर ही कुडंट कम, ही वॉज बिजी देयरफॉर ही कुड नॉट कम, जिसका मतलब है वह व्यस्त था इसलिए वह आ नहीं सका या फिर वह व्यस्त था इसलिए वह नहीं आ पाया। ही वॉज बिजी देयरफॉर ही कुड नॉट कम, इसीलिए। एक और एग्जाम्पल इसका, देयर कार वॉज बिगर एंड देयरफॉर मोर कम्फर्टेबल, देयर कार वॉज बिगर एंड देयरफॉर मोर कम्फर्टेबल, उनकी कार बड़ी थी इसलिए ज़्यादा आरामदायक थी, इसलिए देयरफॉर मोर कम्फर्टेबल। सो ये वीडियो यहीं तक था, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।